जिन्होंने इसको जीवन दान दिया इसने उनको तक नहीं छोड़ा। अब आप ये बताइए कि मोमिन सर ने तो कम से कम वो तो अपोजिशन वाले हैं, मोमिन सर के तो इसने वार इसलिए किया। आप ये लगाइए कि पराशर सर ने इसको चाहे जैसे भी कागज बनाए, जैसे भी गवाह लाए, कहीं से भी कुछ भी हुआ, तो उन्होंने इसको बेल दी। अब बेल देने के बाद कल इसने जो परसों कल इसने जो वीडियो बनाई उससे पराशर सर जो है वो तिलमिला उठे हैं, कह रहे अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो बस भाई, हमने कहा, हमने आपको तभी बोल दिया था कि इसकी बेल कैंसिल कीजिए, क्योंकि आपको राइट है। अगर आप एक आप क्लाइंट भक्त मत बनिए, आप देश भक्त बनिए। ठीक है, पहले आपने दे दिया, उसको दे दिया बेल, दे दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आपके आंखों के सामने इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। और पिछले 5-6 महीनों से हम लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आप इसकी बेल कैंसिल कीजिए, पर आप तब भी बोल रहे हैं कि नहीं, अभी तो सीमा है, अगर मेरे पास आएगी तो मैं इसका केस लड़ूंगा। लड़िए, अब लड़िए आप केस। अब तो आपको उसने टेररिस्ट भी बता दिया है, आपको बोल दिया कि आप पैसे खा रहे हो, मोटी रकम खा रहे हो। अगर हैदर भाई मोटी रकम देने के लायक होते ना, तो बेचारे पता नहीं कब के बच्चे ले जा चुके होते, ऐसे किसी के भरोसे नहीं रहते। तो आपको तो बोला, आप वो हो, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट हो, आपको पैसा भी आ रहा है और आप हमारे कागज भी नहीं दे रहे हैं। आपने हमारे कागज जो है, हमारे जो प्रतिद्वंदी, जो हमारे जो अपोजिशन वाले जो वो है लॉयर है, आपने उनको बेच दिए। ये औरत तो एलिगेशन पे एलिगेशन, और आज लाइव आई थी, आज टल्ली फुल्ली टल्ली थी दिन में, मतलब इतनी टल्ली थी कि इसको ये पता नहीं है मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, मेरे कपड़े किधर को हो रहे हैं, मेरा पल्लू कहाँ जा रहा है। देन उसके बाद क्या कह रही है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं घबरा रही हूँ, मैं घबरा नहीं रही हूँ। अरे तो घबरा ही रही है, तो घबरा रही है तभी तो दिन में चढ़ा के बैठी हुई है। दिन में चढ़ाने का मतलब क्या है, क्योंकि तू अपने आप को शांत रखना चाहती थी, और तूने आज औकात दिखा दी। आज तूने जो हिंदुस्तानियों को जितनी गालियां दी ना, आज तूने औकात दिखा दी। तू अपने आप को सनातनी बोलती है, तेरी जैसी कभी भी सनातनी नहीं हो सकती है, तेरी जैसी बेगैरत औरत। तूने इस्लाम धर्म को छोड़ा और तू सनातनियों के पीछे पड़ी, ना तो तू इस्लाम में रही अब, ना तो इसमें रही हिंदुत्व में, कभी भी नहीं बन सकती तो सनातनी, कभी नहीं। और मोमिन मलिक सर ने एक बात और बोली कि मैंने कहा सर, जब इन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन का वो करवाया था, तो उससे क्या कार्रवाई हो रही है, तो उसके लिए भी 1 तारीख को डेट लगी हुई है। इनके पास वो आ गया, फोन ऑन आ गया है, इनको बोला हुआ है कि भाई तुम धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हो, जो कि नहीं हुआ है, पर इन्होंने कोशिश बहुत की है। बहुत सारे ऐसे जो उन्होंने खुलासे किए हैं, बड़ा मजा आ गया। आज उनके साथ लाइव में बैठे हुए थे हम, वीर भाई की लाइव में, तो काफी सारे बातें मोमिन सर ने बताई, और उसके बाद साहिब भाई के साथ में भी थे, वो लाइव में देख नहीं पाई, पर आज उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। और आज इसने पराशर सर को कुत्ता तक बोल दिया, आज इसने दारू के नशे में पराशर सर को कुत्ता तक बोल दिया। बताइए, पराशर सर को मैंने कहा कि थोड़ी कॉल, मैंने कहा आज आप बताइए, आपने बोला ना कि मैं आप थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको, मैं पेपर ऊपर तैयार करता हूँ। अब बताइए पेपरों की तैयारी आपने कहाँ तक की। बोला बहन जी पहले लाइव भेजिए, मैंने कहा लीजिए लाइव भी लीजिए, लाइव भी देखिए। बीच में आपको बोला हुआ है, किसी ने नीचे से कमेंट किया कि पराशर सर ने आप पराशर सर आपको परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो मैंने कहा उसने आपको कुत्ते, उसने कुत्ता बोला, आपको गालियां दी, सुनिए। मगर ये औरत यहाँ पे रह के जिसने जीवन दान दिया है उसी के ऊपर भौंक रही है, अपनी बिल्ली मतलब हमारी उनकी बिल्ली उन्हीं को म्याओ, तो उनको तो बहुत जल्दी कर देना चाहिए। बट सुनने में ये भी आया, आशा माजी बोल रही थी कि अगर पराशर सर अगर इसकी बेल कैंसिल करवाते हैं, ये जेल में जाती है, तो टोपी सिंह कूद जाएगा, टोपी सिंह ये बन के चला जाएगा, उसके बाद ये उनका उसका लॉयर बन के चला जाएगा, फिर वो बेल पे इसको बाहर निकाल देगा। बट एक बात और है कि उन्होंने मलिक सर ने बोला है कि मैं बहुत जल्द ये कार्रवाई करने वाला हूँ, इसकी बेल कैंसिल मैं करवाने वाला हूँ, चाहे मुझे वो हाई कोर्ट में, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, पर मैं करवा रहा हूँ। और ये खुशखबरी है, उन्होंने बोला है कि मैं ये चाहता हूँ, अभी वो उन्होंने सोचा है, कहा है, देखते हैं आगे क्या डेट मिलती है, कि 27 को अगर ये जाते हैं नहीं जाते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं भी आए, आए भी आएगी तो सही, क्योंकि उसके भैया ने जो है पेपरों में साइन करवा लिए हैं। वैसे तो वो लोगों को बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नोटिस मिला ही नहीं है, बट नोटिस तो हमने देख लिया है, नोटिस पे क्या क्या लिखा हुआ है, और जो नोटिस देने गया है उसको इसने रिश्वत देने की भी कोशिश की है।
उसके बाद मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब बेल कैंसिल की एप्लीकेशन मैं डालूंगा और हैदर भाई 10 तारीख को आ रहे हैं उससे पहले मैं इसको जेल करवाऊंगा ताकि हैदर भाई इंडिया में आए और इसको जेल में मिलने जाए, इसके लिए खूब सारे फ्रूट लेके जाए और एक जोड़ी नई चप्पल लेके जाए, वो पैरों में नहीं पहननी है, वो सुबह शाम अपने थोबड़े पर मारनी है, जितने कर्म किए हैं वो सुबह शाम अपने थोबड़े पर मारनी है। आप एक चीज देखें, पराशर साहब के ऊपर लगता है गुस्सा जो निकाला जा रहा है ना वो भैया का गुस्सा निकाला जा रहा है, क्योंकि पराशर साहब ने कभी तो कुछ कहा ही नहीं, तो वो तो उन्होंने तो भैया को टारगेट किया था, उसके हवाले से बात की थी कि वो अगर कोर्ट में आए तो उनके साथ ये होगा, तो वो लगता है कि वो एक हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं नहीं बोल दी मेरे जो मेरा यार बोल दा, तो उसका मतलब आप गाने भी ऐसे से ढूंढ के रखते हैं ना सर, जो गाना सिर्फ इन पे बैठता है। अच्छा मतलब पराशर सर जो है वो टारगेट कर रहे हैं एपी सिंह जी को, अब एपी सिंह जी खुद ना बोल के अपनी बोदली से बोल रहे कि तू स्टेटमेंट दे भाई तू वार कर, तो ये गाना वाकई में फिट बैठता है। वो तो हाथ पांव मुंह तो उसका है, जुबान किसी और की है, तो वो बेचारी बोली जा रही है जो उसको कहा जाता है या जो वो बदला, क्योंकि एपी सिंह खुद तो बदला लेने के काबिल नहीं है, अब वो इस कदर उनका म्यार गिर गया है कि वो हेमंत पराशर को जवाब देने के लिए इस तरह की औरत का सहारा ले रहे हैं, खुद में तो उनमें कोई दम खम रहा नहीं कि जो खुद आके सामने कानूनी तरीके से या किसी और तरीके से बात करें। अच्छा आज मुझे एक बड़ी हंसी आई, कहने लगी हेमंत पराशर कानूनी तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कौन तो कानूनी तरीके से और परेशान करता है और मैं उसको जो शब्द लिख के दिए थे ना जो आपके उसमें हमारे हिंदुस्तान में जो लॉ में जो शब्द जो हिंदी के शब्द जो वो पढ़ने नहीं आ रहे थे उसको, मतलब वो मतलब ऐसे शब्द थे जो उसे पढ़ने नहीं आ रहे थे जो हिंदी में लिखे हुए थे, पर फिर भी उसने तोड़ मोड़ के जो भी है उसने पराशर पराशर सर की जो है उसने वाट लगा दी, उसने पराशर सर को एक क्रिमिनल बना दिया, उसने उनको घूसखोर बना दिया, उसने उनको ये भी बना दिया कि मोमिन अली साहब को इन्होंने हमारे कागज बेच दिए, हमारे जो अगेंस्ट जो केस लड़ रहे हैं जो उनको इन्होंने हमारे केस बेच दिए, और आज की लाइन में तो पल्ली बनी हुई थी और आज की लाइन में उसको ये भी पता नहीं है कि उसने कितनी गालियां दी और कितनों को गालियां दी, पूरे हिंदुस्तान के थे जितने थे हिंदुस्तान के लोगों को इतनी गालियां दी उसने, माँ हुई बहन हुई सब गालियां इतनी टल्ली बैठी हुई थी, और एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी कि अरे आप लोग ये मत सोचना, उसके लप्पू के कंधे पे सर रखे कि आप लोग ये मत सोचना कि मैं परेशान हो रही हूँ, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मेरे को जुकाम लगा हुआ है, अगर नक्सली देखो जुकाम नहीं लगा हुआ है तो मैं अफीम सूंघा हुआ है, नक्सली तो ओवा नहीं मारा है इस बार तो मैं सूंघा हुआ है, और सूंघने के बाद तेरे को पता है कि तू तेरे को कैसा प्रॉब्लम हो रहा है बेवकूफ बेगैरत जी। आप ये चीज देखें, आप ये चीज देखें कि अभी ये लोगों की हालत क्या हो गई, ये लोगों की हालत क्या हो गई है, और आप एक चीज देखेंगे अब इनके पास कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है, और अब हेमंत पराशर साहब के ऊपर भी केस हो गया, वो भी दहशतगर्द बन गए हैं, कल कला को आप भी दहशतगर्द बन जाएगी, और सबूत पेश किया जाएगा, सबूत पेश किया जाएगा कि जनाब आप आपके ऊपर अगर दहशतगर्दी का केस हुआ ना पता किस बात का होगा कि आप मेरी लाइव में ब्लैक शर्ट पहन कर आई थी हाँ गने, वो किसी की नहीं है ये बेगैरत औरत, ना किसी की नहीं है, ना तो ये अपने माँ बाप की हुई जिन्होंने पैदा किया, ना ये अपने बहन भाई की हुई, ना ये हैदर भाई की हुई, चलिए ये किसी की ना हो लेकिन जिन बच्चों को इसने पैदा किया है ये उनकी भी माँ नहीं हुई ना, ये एक अच्छी माँ के काबिल भी तो नहीं है, ये तो इसने एक अच्छी माँ बनने ये अच्छी माँ बनने के काबिल भी नहीं है, इसने एक अच्छी माँ बन के भी नहीं दिखाया है। आप देखिए ना माए अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती हैं, जानवर भी जब कोई बछड़ा या कुछ होता है इनका जानवरों का तो वो उसको किस तरह से धूप से छाया में ले जाती है, तो आप बताइए ये वो माँ है कि जो अपने बच्चों को जब लाइव आती है ना तो वहां इसको पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसा चाहिए होता है, ये तब पंखे भी बंद कर देती है, अगर बाहर से बच्चों की आवाज आती है तो ये कोहनी से ना
उस लप्पू की किडनी पे मारती है कि जाके बच्चों को बंद करके और चुप करके आ, मतलब इस बेगरत औरत को ये नहीं, पहले तो इसको अपने सारे बच्चों को लाइव में रखना चाहिए, 24 घंटे दिखाना चाहिए, ये देखिए बच्चे सुरक्षित है मेरे पास है, लेकिन तेरी जैसी बेगरत औरत अपने मतलब के लिए ना बच्चों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, तू कितने दिन करेगी, कितने दिन करेगी, तेरे कम दिन बचे हुए हैं।